गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आपने कई बार ये सुना होगा कि दुख का कारण बाहर नहीं हमारे भीतर ही होता है, हम स्वयं ही दुखों का कारण होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। जैसे जैसे हम योग के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि योग साधक दुखों की बीजों का साक्षात्कार करता है। उसे पता चलता है कि जीवन के सभी दुखों के कारण बीज रूप में अपने स्वयं के अस्तित्व में ही दबे पड़े हैं। जो भी पीड़ा परेशानी हम अनुभव करते हैं, उसके कारण हम ही में छिपे हैं। इन्हें बाहर समझना केवल एक भ्रम है। हालांकि इस भ्रम के शिकार लगभग सभी होते हैं। ऐसे भ्रम को सच समझने की भूल भी प्रायः सभी से होती है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि खुद की आंखें इसकी गवाही देती हैं। सभी इंद्रियां इसकी अनुभूति की हामी भरती हैं, और अपने को चतुर व कुशल समझने वाली बुद्धि इस भ्रम को सही ठहराने के सभी आयोजन करती है। वास्तव में दुखों के कारण क्लेश हैं, ऐसा योग सूत्रकार मानते हैं। सामान्य जीवन में दुख एवं क्लेश को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, परंतु महर्षि पतंजलि के शब्दकोश में क्लेश का एक खास परिभाषिक शब्द है। यहाँ इसके अर्थ गहरे, सूक्ष्म एवं दार्शनिक आध्यात्मिक हैं। इन अर्थों में क्लेश दुखों का कारण है। इसे इस भांति भी कहा जा सकता है कि क्लेश हटे तो दुख मिटे। ये क्लेश कौन कौन से हैं, इस पहेली का हल महर्षि अपने अगले सूत्र में देते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख उत्पन्न होने के कारण हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पांच क्लेश ही हमारी पीड़ा और सभी परेशानियों का मूल कारण हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि इन्हीं पांचों के कारण चेतन और सहज सुख राशि जीवात्मा बार बार पंच महाभूतों के फंदे में फंसता है। संसार और संसारिकता की पीड़ा चक्र में अनगिनत बार उलझता और कराहता है। जीवन का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, दुखों की त्रासदी हर कहीं बनी रहती है। इसके लिए कितना भी सोचा जाए, कितना भी किया जाए, पर यथार्थ जस का तस बना रहता है। गुरुदेव कहते थे कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सोचा कि साधनों की कमी के कारण संसार में दुख है, और उन्होंने साधन जुटाने के लिए अनेक तरह के अनुसंधान किए। उनके ये अनुसंधान सफल भी हुए, साधनों का अंबार जुटा भी। इससे दुखों का रूप तो बदला, परंतु इनकी संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। दुनिया में जो दार्शनिक थे, उन्होंने दुख का कारण अज्ञान में खोजा और ये सच के काफ़ी करीब पहुँचे, परंतु सही ढंग से ना तो सच को खोज सके और ना तो पा सके, क्योंकि इन्होंने ज्ञान का अर्थ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित रखा। शिक्षा के प्रसार में लाभ भी हुए, परंतु पूरी बात नहीं बनी। अलग अलग देशों के अलग अलग दार्शनिकों ने ज्ञान के बारे में अनेकों मत और मंतव्य दिए, परंतु सही अर्थ केवल अध्यात्मवेत्ता, तत्वदर्शी दार्शनिक ही पहुँच सके। इन्होंने कहा, दुखों का कारण अज्ञान है। ये बात सही है, पर यह अज्ञान का मूल कारण नहीं है। इस अज्ञान का भी कारण है, वो कारण है अविद्या। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि यदि महर्षि पतंजलि के इस महत्वपूर्ण सूत्र पर गहन विचार किया जाए, तो इससे कई गंभीर अर्थ प्रकट होंगे। अपने आध्यात्मिक चर्चाओं में पूज्य गुरुदेव का कहना था कि क्लेशों की संख्या गिनाने वाले इस सूत्र में योगर्षि द्वारा कहा गया क्लेशों का क्रम भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उनकी संख्या भी है। सबसे पहले संख्या की बात सोचे तो जीव के काया क्लेश का निर्माण करने वाले महाभूत भी पांच ही हैं। इस काया में अनुभव का स्पर्श देने वाली ज्ञानेन्द्रियां भी पांच हैं। काया को क्रियाशील बनाने वाली कर्मेंद्रियां भी पांच हैं। इन पांच क्लेशों में कमी होते ही अनुभवों में स्पष्टता, सार्थकता एवं कर्मों में कुशलता अपने आप ही आने लगती है। पंच क्लेशों में सबसे पहला स्थान अविद्या का है। यही सभी क्लेशों का
मूल कारण है। आचार्य शंकर जैसे परम ज्ञानी ने भी अपने वेदांत चर्चा में इसे ही प्रकारांतर से सभी भ्रमों का कारण कहा है। इस अविद्या के कारण ही आत्मा अपने होश गवा देती है। इस वजह से परम ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान सुप्त और लुप्त हो जाता है। स्थिति कुछ ऐसी विचित्र बद्धी है जिसे सही से बताया नहीं जा सकता। बस कुछ ऐसा कि राजा अपने राजा होने को भूल जाए और स्वयं को भिखारी समझ लगे। अपने होश गवा देने की विडंबना के कारण ही अस्तित्व में अस्मिता का उदय होता है। अविद्या के प्रभाव में होश गवा बैठी आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति से गांठ जोड़ लेती है, जिसके कारण उसमें उपजता है राग की आसक्ति। सुख की लालसाएं उसे बांधती हैं, सुख मिले और सुख बना रहे। इंद्रिय संवेदन, मानसिक अनुभव बार बार प्रीतिकर हों, यही तो राग है। जिसकी विपरीत है उससे स्वाभाविक द्वेष पनपता है। इसे घृणा का नाम भी दिया जा सकता है। जिससे द्वेष होता है उससे विनाश की भावना जगती है। सुख पाने की आसक्ति हो या दुख से विरक्ति, दोनों ही हमें बांधती हैं। दोनों ही जीवन से, शरीर से मोह पैदा करते हैं। हम जीवित रहना चाहते हैं सुखों के भोग के लिए, हम जीवित रहना चाहते हैं दुखों के, अपने द्वेषियों के, वैरियों के विनाश के लिए। जीवन से, खास तौर पर अपने शरीर से चिपटे चिपटे रहने की लालसा अभिनिवेश है। चूँकि मृत्यु शरीर को छुड़ा देती है, इसलिए मृत्यु के भय को भी अभिनिवेश कहा जाता है। साधारण जनों की बात कहे कौन, ज्ञानी भी मृत्यु के भय से घबराते हैं। मौत सभी को डराती है। दरअसल डर मृत्यु का नहीं होता, डर होता है इस बात का कि हमारे सुख के साधन छूट जाएंगे। डर इस बात का कि जिन्होंने भी हमें दुख दिया अब हम कभी उनसे बदला नहीं ले पाएंगे। इस तरह के कभी कम और कभी ज़्यादा दुखों के बदलते नाम और रूपों के साथ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश अपनी उपस्थिति जताते रहते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रभावशाली है। जब पांचों इकट्ठे हों तब तो कहना ही क्या। आज के लिए इतना ही।